मम्मी जी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है आने से पहले दरवाजा खटखटाया कर। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, आखिर इस लकड़ी के बक्से में ऐसा क्या है जो आप रोज देखती हो फिर बंद कर देती हो? वो इसमें मेरे जिंदगी भर की दौलत है। क्या? और तू क्यों पूछ रही है कि मेरे बक्से में क्या है क्या नहीं, तुझे इससे क्या मतलब? अरे मम्मी जी, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। जा तो अपना काम कर। सुन, शायद बुढ़िया बक्सा खोल के दिखाएगी मुझे। हाँ जी मम्मी जी, अब आगे से आए ना तो दरवाजा खटखटा के आना, और अब बंद करके जा दरवाजा। ठीक है मम्मी जी। बुढ़िया, तेरे बक्से में कुछ तो ऐसा है जो तू मुझे दिखाना नहीं चाह रही, पर तू जानती नहीं मैं क्या चीज हूं। तू भी जाएगी और तेरा बक्सा भी। लगता है बुढ़िया सो रही है। अब चुपचाप बक्सा ले जाऊंगी, बुढ़िया को क्या पता लगेगा। तू यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी जी, मैं तो कमरे में झूठे बर्तन देखने आई थी, कोई झूठा बर्तन तो नहीं है? मैंने कहा था ना तुझसे, तू दरवाजा खटखटा के अंदर आया कर। अरे आप सो रहे थे, मैंने सोचा क्यों जगाऊं आपको। यहाँ कोई झूठे बर्तन नहीं है, जा तू अपना काम कर। आपको कुछ चाहिए तो मैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा और दरवाजा बंद करके जाना आपकी बार। ये बुढ़िया तो कुंडली मार के बैठ गई है बक्से पे, क्या करूं, छोड़ती ही नहीं है। नहाने भी जाएगी ना तो कमरे का ताला लगा के जाएगी ताकि पीछे से देख ना लूं मैं। क्या करूं, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। हाँ रेनू, आज कैसे याद आ गई मेरी? बस यूं ही। और सुना? अरे यार क्या बताऊँ, सब ठीक है पर। क्यों, क्या हुआ? देख अब मैं तुझे ना साफ साफ बता रही हूँ, मेरी सास के पास है ना एक लकड़ी का बक्सा है, वो है ना बुढ़िया सारा दिन है ना उससे चिपकी रहेगी, छोड़ती नहीं है एक पल को भी। अब मुझे ना सारा दिन ये सोच सोच कर परेशान होती रहूँगी मैं कि पता नहीं उसमें क्या है। तो पूछ ही लेना सीधा सीधा अपनी सास से। अरे पूछी थी एक बार, करी थी कोशिश मैंने, पर बुढ़िया ने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, फिर तो जरूर माल होगा उस बक्से में। तो तू है ना किस दिन जब वो बुढ़िया ना हो तब देख ले चोरी छुपे उसमें क्या है। अरे कहाँ से खोल के देख लूँ उसे, बुढ़िया ना नहाने भी जाएगी ना तो बक कमरे का ना ताला लगा के जाएगी, फिर तो तुझे लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वो तो जब तेरी सास ऊपर चली जाएगी ना तभी बक्सा तेरे हाथ में आएगा, तो तू लंबा इंतजार कर अब। चल ठीक है, रखती हूँ फोन। चल ठीक है। अब इंतजार नहीं, इंतजाम ही करूंगी इनका। मम्मी जी चाय पी लो आप। पर मैंने तो तुझसे चाय की कही ही नहीं, मैंने अपने लिए बनाई थी, सोचा आपके लिए भी बना लूं। अच्छा ला दे तो। ये चाय अजीब सी लग रही है कुछ। वो मम्मी जी आपके बारे ना मैंने नई पत्ती मंगवाई थी जड़ी बूटियों वाली, सोचा आपको फायदा करेगी। बहुत महंगी आई है, पर मैंने पैसे नहीं देखे मम्मी जी, मैंने तो आपकी सेहत देखी। पी लो पी लो।
मम्मी जी, मम्मी जी, गई बुढ़िया, अब जाके कटाए कलेश। जब से इस बक्से को ना चिपकाए बैठी थी छाती से, अब देखूंगी इसमें क्या है। जब से छाती पर चिपकाए बैठी थी बुढ़िया, अब जाके हाथ आया मेरे बक्सा, देखो तो सही आखिर इसमें है क्या। ये क्या पुराने मेडल, खिलौना, ये कंघा, चूड़ियां। बुढ़िया इसे वो खजाना कह रही थी, धर तेरे की खोदा बाढ़ निकला चूहा। मैं तो सोच रही थी सोने चांदी के जेवर होंगे। चलो कोई नहीं, ये कमरा तो खाली हुआ जब से बुढ़िया घेरे बैठी थी। जिंदगी भर की भागदौड़ के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को ना तो पैसे से प्यार रहता है और ना शायद रिश्तों से। वो अपने आप को सीमित करके रख लेता है। उसके लिए उसका बीता वक्त, उस वक्त की यादें, वही उसके साथ रहती हैं और वो उन्हीं में सीमित होकर रह जाता है।